गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने लिटरेचर बुक बिहाइव का सेकेंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें बेसिकली ये जो चैप्टर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वी हैव टू रीड पार्ट वन। इसका जो टाइटल है, एवेलिन ग्ली ने लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवेलिन ग्ली ने, इसकी मेन कैरेक्टर है, इसके बारे में कह रहा है कि वो साउंड को सुनती है बिना सुने हुए। अभी कैसा ये पॉसिबल है क्या कि मैं किसी साउंड को ना सुनूं, सॉरी मैं किसी साउंड को सुन लूं बिना सुने हुए। तो इसके बारे में ही चैप्टर है, इसको डिस्कवर करते हैं और पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कह रहा है कि गॉड ने उसकी जो सुनने की जो क्षमता है उससे ले लिया है, बट उसको बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या दिया है? व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वही चीजें यह फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज्यादा। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि अपने जो उसके अंदर जो म्यूजिक है बहुत ही सुंदर तरीके से उसको एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। कह रहा है उस चैप्टर को पढ़िए और देखिए कैसे एक लड़की जो है अपने फिजिकल जो डिसेबिलिटी है, मतलब कि जो उसके जो सुन नहीं सकती है, वो डिसेबल है, इसके बावजूद भी उसने अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे अपनी लाइफ उसको सक्सेस मिला है, इसके बारे में स्टोरी है। सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म्स। विदेशों में क्या होता है कि जो ट्रेन होते हैं वो अंदर चलते हैं, जमीन के अंदर, ठीक है। तो रश आवर बोल रहा है, रश आवर क्या होता है, जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला जो समय होता है उसको रश आवर बोलते हैं। क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड, वहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ है। अ स्लाइट गर्ल, मतलब कि बहुत ही दुबली पतली लड़की है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। बेसिकली है तो वह 17 ईयर्स की, 17 साल की है, लेकिन उससे भी वह छोटी दिख रही है क्योंकि बहुत ही कमजोर है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। कह रहा है वो नर्वस है और साथ में एक्साइटेड भी है क्योंकि वो आती हुई ट्रेन का उसको वाइब्रेशन का पता चल रहा है। बिकॉज शी वॉज डेफ, क्योंकि वो बहरी है, उसको ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन जो ट्रेन के आने का जो वाइब्रेशन है वह उसको फील बड़े अच्छे से कर पा रही है। और वो नर्वस क्यों है जानते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। कह रहा है जो प्रेस्टिजियस, मतलब कि बहुत ही अच्छा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है जो लंदन में है, उसका इस लड़की का पहला दिन है, मतलब कि यह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेने जा रही है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर्म स्कॉटिश फॉर्म। कह रहा है बहुत नर्वस है और बहुत डॉन्टिंग भी है। डॉन्टिंग मीन्स क्या होता है, फ्राइटनिंग, बहुत डरी हुई भी है कि इतना बड़ा जो म्यूजिक ऑफ अकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन में, और स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटिश भी लंदन में आता है लेकिन छोटा सा इलाका है, तो बहुत ही छोटे शहर की लड़की है और बहुत ही बड़े म्यूजिक कॉलेज में जा रही है, तो इस वजह से नर्वस भी है और बहुत डरी हुई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। कह रहा है लेकिन ये जो लड़की है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज को फेस कर रही है। कौन सा चैलेंज है? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। कह रहा है ये जो लड़की है वो पूरी तरीके से बहरी है। एवेलिन ग्ली ने लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। कह रहा है कि जो इस लड़की, जो एवेलिन का जो सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे ही कम हुई थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर्स ओल्ड एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। कह रहा है इसकी जो मम्मी थी, इसकी मम्मी पहली बार नोटिस की थी
इसको एवरीन को सुनने में परेशानी आ रही है। कब किया था? जब वो 8 साल की थी और वह पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और उसकी मम्मी ने उसका नाम लेके बुलाया और वह वहाँ से हिली भी नहीं क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। उसकी मम्मी बोलती है, सेज इजाबेल ग्लेनी, इसकी मम्मी का नाम है, उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि वह सुन नहीं सकती थी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको पुकारा, उसका नाम से पुकारा, बट वो अपनी जगह से हिली नहीं। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवरीन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कंसील मीन्स होता है छुपाना। तो किसी तरीके से एवरीन को पता चल गया था कि वो बहरी होती जा रही धीरे धीरे। तो किसी तरीके से उसने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से किसी तरह यह बात छुपा के रखी थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रिट्यूटेड। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स जो थे डिट्रिट्यूटेड, मतलब क्या होता है कि जो मतलब कम हो गए, उसके मार्क्स जो थे वो ग्रेजुअली बहुत ही कम हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, जो प्रिंसिपल होती है, जो हेड होती है, हेड मास्टर का वो है, फेमिनिन जेंडर है, हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने इसकी मम्मी को सजेस्ट किया कि इसके मार्क्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उसने सजेस्ट किया कि इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, उसको दिखाइए इसकी क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो सुनने की क्षमता है वह नर्व डैमेज की वजह से हुआ है, वो सीवियरली डैमेज हो गया, इसकी वजह से बेचारी सुन नहीं पा रही है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। कहता जब कोई सुनता नहीं है तो उसके कान में एक हियरिंग एड होता है, आपने शायद देखा भी होगा, जो लोग बहरे होते हैं उसके कान में लगता है मशीन छोटा सा, उसको हियरिंग एड बोलते हैं। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसको हियरिंग पहनाइए और इसको जो बहरे जो होते हैं जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर इसको भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और एवलिन बोलती है कि जब ये बात मैंने सुना तो मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने क्या डिसाइड किया कि वह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी जैसे और लोग जीते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको आगे कंटिन्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन। एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि लड़की है वो ज़ाइलोफोन बजा रही है। ज़ाइलोफोन क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वुडन होता है, एक लकड़ी का होता है और उस पर गिटार की तरह बांस लगे होते हैं, उसको बजाना होता है, ये इसको ज़ाइलोफोन बोलते हैं। एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले टू। जब उसने उस लड़की को देखा ज़ाइलोफोन बजाते हुए तो उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी इसको बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर ने जब सुना कि ये बजाना चाहती है तो बहुत सारे टीचर ने उसको डिस्करेज किया, मतलब उसकी हिम्मत तोड़ना चाह गया, अरे ये तो गूंगी, सॉरी ये तो बहरी है, क्या बजाएगी। बट परक्यूशनिस्ट होता है जो कि जो ड्रम बजाता है उसको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट, और जो तबला बजाता है। रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। और जो तबला वादक रॉन फॉक्स थे उसने उस लड़की के अंदर की पोटेंशियल को देखा। He began by tuning to large drum to different notes. और उसने उसके लिए तैयार किया जो दो ड्रम्स जो थे अलग अलग नोट्स के थे उसको तैयार किया ताकि ये एवलिन उसको बजा सके। तो उस मास्टर ने बोला, जो तबला जो बजाते थे रॉन फॉक्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उसने कहा कि अपने कानों से इसको मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। करा इसको कानों से मत सुनो, बल्कि 5 सेंस और होते हैं तो 4 सेंस इसको महसूस करो, इसको देखने की कोशिश करो। सेज एवलिन बता रही है कि ऐसा उसके मास्टर ने कहा।
Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the west of. जब वो तबला बजाने लगी तो उसको उसको एडविन बोलती है तब तो उसको क्या महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम था उसको कहाँ से महसूस किया वेस्ट अप कमर के ऊपर से एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और जो छोटा वाला जो लोअर जो नोट था जो तबला था उसको कमर के नीचे वाले बॉडी पार्ट से उसको महसूस किया. फर्स्ट रिपीटेड द एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो था जो तबला का उसको फिर से रिपीट कराया. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तब जाके उसको जो Evelyn थी उसको यह एहसास हुआ कि वह बहरी तो है लेकिन जो म्यूजिक है उसको अपने शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से उसको महसूस कर सकती है. I learned to open my mind and body to sounds and vibration. तो बताती आगे Evelyn कि मैंने अपने दिल और दिमाग को दोनों को खोल दिया जो भी म्यूजिक सीखने के लिए और जो भी वाइब्रेशन होता है उसको अच्छे से फील करने के लिए. द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क बाकी का जो मेरा हार्ड वर्क था वह मुझे म्यूजिक सीखने में बहुत ही मददगार साबित हुआ. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स और वहाँ से वो कभी पीछे भी पीछे मुड़ के नहीं देखी. शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा समझते हैं ना जिसमें संगीत मंडली होती है जिसमें चार पांच लोग मिलकर गाना बजाते हैं. तो वह यूके गई यूनाइटेड किंगडम एंड बाय द टाइम शी वाज 16 और जब जब तक वो 16 की हुई मतलब 16 साल की शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. तब उसने डिसाइड किया कि वह म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाएगी इसमें ही अपना करियर परस्यू करेगी. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया और उसने अभी तक इतिहास का उस एकेडमी में सबसे हाईएस्ट मार्क उसने स्कोर किया था. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. सोलो में क्या होता है अकेला सोलो परफॉर्मेंस. पहले वो ऑर्केस्ट्रा में गाती बजाती थी उसमें तीन चार लोग होते हैं और बाद में वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी मतलब अकेले ही परफॉर्मेंस करने लगी. एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स और जब और तीन ईयर का जो कोर्स कर रही थी कहाँ पे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स और इस दौरान उसने क्या किया था बहुत ही अच्छे अच्छे इनाम जीता था 3 साल के ड्यूरेशन में. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको लग नहीं रहा था कि उसने कुछ बड़ा किया है वो और कुछ बड़ा करना चाहती थी. तो क्या बोलती है इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. तो बोलती है देखो कितना मोटिवेशनल स्टोरी है और कितनी अच्छी लाइन बोल रही है कि आप कोई काम बहुत मेहनत से करते हो और आपको पता होता कि आप कहाँ जा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट देयर और डेफिनेटली आप वहाँ पर पहुँचोगे डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप और वो वहाँ पहुँच भी गई टॉप. उसका नाम जो है बहुत ही नामी गामी म्यूजिशियन में होने लगा. द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मतलब कि जिसको बहुत ढूंढा जाता है बहुत जो फेमस होता है उसको बोलते हैं मल्टी परक्यूशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. कह रहा है कि ये बहुत ही मतलब रिनाउंड परक्यूशनिस्ट हो गई और उसके पास थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट का उसने मास्टरी कर लिया था मतलब उसको संगीत में जो म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसको बजाना सीख लिया था और एंड हैक्टिंग इंटरनेशनल शेड्यूल और उसके पास इंटरनेशनल जो मतलब वो देश विदेश बाहर घूमने लगी थी तो उसके पास हैक्टिक शेड्यूल हो गया था मतलब उसके पास टाइम नहीं था तो मतलब शो करती जा रही थी बहुत अपने देश में और विदेश में मतलब बहुत ही नामी म्यूजिशियन हो गए थे. इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवरी फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग और ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टेड लगता है बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि एवलिन बिना कुछ सुने ही इतना एफर्टलेसली कैसे फंक्शन कर रही है मतलब बिना कुछ वो तो बहरी है तो बिना कुछ सुने हुए कैसे मतलब सरवाइव कर रही है और कितना ऐसे लोग कैसे सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं. इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर म्यूज्ड अ वर्ड.
ऑथर बोल रहा है कि जो 2 घंटे का डिस्कशन हुआ था उसमें एक सिंगल वर्ड भी उसने मिस नहीं किया। तो बोलती है कौन, एवलिन, मैन विथ बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। बोलती है जो जिस आदमी के पास दाढ़ी होता है उसको थोड़ा मुझे समझने में थोड़ी परेशानी आती है, और कहके वो हंसने लगती है। इट इज, और ये देखते और देख सकते हैं इस छोटी लड़की का पिक है आपके पास। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवरी फंक्शन सो एफर्टलेस विदाउट हियरिंग, देख सकते हैं इसकी। तो कहाँ पे थे हम लोग, यस, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। कहती है जब भी मुझे आदमी को समझना होता है तो मैं केवल उसकी लिप्स पे ध्यान नहीं देती बल्कि उसके पूरे फेस को ध्यान देती हूँ, स्पेशली द आइज, खासकर उसकी आंखों को, तब जाके मैं वो क्या कह रहा है उसको मैं समझ पाती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिप, कह रहा है कि वो बड़े आसानी से बहुत ही एफर्टलेसली जो बोल, बहुत ही मतलब स्कॉटिश जो एक्सेंट था बहुत ही फ्लुएंट उसमें बोल रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कह रहा है मेरा स्पीच बहुत क्लियर है, मैं अच्छा बोल पाती हूँ क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। वो बोलती है बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चला कि कैसे मतलब बहरी होते हुए भी डेफ होते हुए भी कैसे इसने फ्रेंच सीख लिया और जो जैपनीज भी कैसे कैसे इसने सीख लिया। तो बेसिकली ये स्टोरी है कि कैसे एक फिजिकली डिसेबल लड़की है और उसके पास मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी इसको इतना सक्सेस मिल गया। तो बेसिकली ये मोटिवेशन हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए कि अपने आप को इसमें लिमिट बना रखें और अपने आप को खुलने दें सो दैट वी कैन गेट द सक्सेस वॉट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो कहती है कि म्यूजिक के बारे में बताती है कि जो म्यूजिक है उसके हर बॉडी में मतलब एंटर कर चुका है, उसके हर एक के बॉडी पार्ट से ही म्यूजिक निकलती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल्स में तो होता है एक तरह का कि गुदगुदी या फिर थोड़ी सी गुदगुदाहट, कह रहा है म्यूजिक को सुनते ही मेरे स्किन में टिंगल्स होने लगते हैं, मेरे चिक बोन्स में जो कि गाल गाल के हड्डी को बोलते हैं, एंड इवन इन माई हेयर, कह रहा है मेरे मतलब कहने मतलब ये है कि जब वो म्यूजिक को सुनती है एवलिन तो उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स है उसके साथ ही डांस करने लगते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं, उसको फील करने लगते हैं। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, तब वह सेंस कर पाती है उसको फिंगर टिप्स जो उंगली का जो टिप होता है उसके थ्रू उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। चूंकि वो सुन नहीं पाती है तो वह म्यूजिक को क्या करती है, सेंस करती है, किससे, अपने बॉडी पार्ट से। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, जब वो तबला बजाती है या फिर तबले की तरफ झुक के बजाती है तो उसका जो रेजोनेंस होता है मतलब इको एको जो होता है साउंड का उसके बॉडी के अंदर पूरा फ्लो होता है, उसको महसूस करती है बड़े अच्छे से। वो ने वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग, कह रहा जब भी उसको परफॉर्मेंस देना होता है और उसकी जो जो टाइल्स की जगह पे वुडन लगा होता है तो अपना जो शूज को निकाल के जाती है, क्यों, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है उसको पूरे शरीर में फील कर पाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, और ये बहुत सरप्राइज की बात नहीं थी कि एवलिन जो थी जो भी उसके सामने ऑडियंस आता था वो सबको खुश करती थी अपने म्यूजिक से, सारे ऑडियंस बहुत खुश रहते थे। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, एक तरह का अवार्ड है फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, सोलोइस्ट मतलब मैंने बताया था आपको, सोलोमिस होता है अकेला, जब वो अकेला उसने अकेले परफॉर्मेंस दिया तो ये अवार्ड जो है फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो उसको 1991 में इसको ये अवार्ड मिला था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, उसके जो मास्टर है परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड क्या बोलते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले ही उसकी सुनने की एबिलिटी छीन ली हो बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके जगह पे भगवान ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, क्या है, वॉट वी हियर शी फील्स, जो भी हम सुनते हैं
वह महसूस करती है अपने बॉडी पार्ट से, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सभी से ज्यादा वो महसूस करती है. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि जो भी म्यूजिक है उसको बहुत ही ब्यूटिफुली ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से उसको पेश कर पाती है लोगों के सामने. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Evelyn मानती है कि वह workaholic है. Workaholic क्या होता है? जो person हमेशा काम करता रहता है, जब उसको कोई काम ना मिले तो बेचैन हो जाता है. तो वो बोलती है कि वह एक workaholic है, बहुत मेहनती है. I have just got to work, कि मुझे काम करना ही पड़ता है. Often harder than classical musician, जितने भी classical musician है उससे ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मुझे मजा आता है क्योंकि उसने म्यूजिक अपने लाइफ का पैशन बना दिया है. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, और चूंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसलिए जो इनाम भी मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा इनाम मिलता है मुझे. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, बोलती है कि जो कि रेगुलर कंसर्ट होता है उसके अलावा भी मैं, एवरीन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. एक तरफ से एवरीन मेरे ख्याल से फिलंथ्रोपिस्ट है, फिलंथ्रोपिस्ट समझते हैं जो समाज सेवा करते हैं. तो रेगुलर कंसर्ट के अलावा जो पेड होता है उसके अलावा भी ये फ्री कॉन्सर्ट करती है. कहाँ पे? प्रिजन में या और हॉस्पिटल्स में ये जाके गाना गाती है या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और ये यंग म्यूजिशियन को बहुत ही हाईली प्रमोट करती है क्योंकि खुद ही यंग है. तो यंग म्यूजिशियन को कुछ बहुत प्रमोट करती है क्योंकि इसको पता है कि यंग म्यूजिशियन में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है. एंड रिचलिंग ऑफ बेथेबिन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक बेथेबिन फंड है उसमें उनके मालिक है एंड रिचलिन, वो बेसिकली जो है डेफ चिल्ड्रन के लिए फंड है. तो वो बोलते हैं किसके बारे में? एवलिन के बारे में. शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कहता है ये जो एवलिन है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे मतलब बहरे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक इंस्पिरेशन है कि इसको देखकर बच्चे सीख पाए कि बावजूद इसके कि ये डेफ है इसने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस प्राप्त किया है, अपने कभी रुका नहीं, अपने कभी लाइफ में रुका नहीं है. दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट के, और वो बच्चों देखे और जाने कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है या ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कुछ भी मुकाम नहीं है जो कि बच्चे प्राप्त ना कर सके. मतलब वो एक तरीके से जो डेफ बच्चे हैं ऐसे इंस्पिरेशन ले उस बच्ची को, एवलिन को. लास्ट है, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन जो एवलिन है अपने एज के हिसाब से दोगुने उसने अचीवमेंट कर लिया. उसके एज में जो भी बच्चे हैं, जो भी पर्सन है उसके कंपेयर टू ही हैज अकम्प्लिश्ड मोर देन टू टाइम्स. क्लियर. शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ऑर्केस्ट्रा में परक्यूशन को आगे लेके आया है. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और बताया है कि ये इसको और अच्छे से भी बजाया जा सकता है, इसको और अच्छे से भी संगीत को ऐसे भी पेश किया जा सकता है. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोस हु आर हैंडीकैप्ड, और वो सबके लिए इंस्पिरेशन लाई है, स्पेशली जो कि जो भी बच्चे जो है, जो भी लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए खासतौर पर ये इंस्पिरेशनल रही हैं, एक रोल मॉडल का काम इन्होंने किया है. पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जब उनको देखते हैं एवलिन को तो बोलते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, तो देख के बहुत ही मोटिवेशन से भर जाते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशन से भर जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लिस्ट, और सबसे अच्छी बात ये है कि शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि और उसने अपने संगीत से लाखों लोगों को अपना फैन बनाया है. तो ये थी कहानी एवलिन ग्लेनी की. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस पर्सनालिटी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप शी हैज अकम्प्लिश्ड मच थिंग्स एज कम्पेयर टू दोज पीपल इन टू देयर एजेस. क्लियर. तो आप भी, आपको भी इनसे सीखना चाहिए और आपको भी मेहनत करना चाहिए. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर.